गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत लगाए गए शिल्प मेला का शुक्रवार को समापन हो गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित शिल्प मेला के समापन समारोह में महोत्सव समिति के अध्यक्ष मंडल आयुक्त जयंत नार्लिकर, उपाध्यक्ष व डीएम के विजेंद्र पांडियन, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, सीडीओ हर्षिता माथुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। समापन अवसर पर गोरखपुर महोत्सव को सकुशल सम्पन्न कराने में योगदान देने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, विज्ञापनदाताओं, शिल्प मेला में अत्यधिक बिक्री करने वाले स्टॉलों के प्रतिनिधियों सहित अन्य लोगों को मंडल आयुक्त जयंत नार्लिकर, डीएम के विजेंद्र पांडियन, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मंडल आयुक्त ने कहा कि गोरखपुर महोत्सव में सभी अधिकारियों में से जुड़े लोगों ने अपनी पूरी मेहनत से कार्य करके महोत्सव को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि महोत्सव को कराने में कई चुनौतियां थी, परंतु सबके सहयोग से आसानी से चुनौतियों का सामना किया गया और महोत्सव को अच्छे ढंग से सम्पन्न कराया गया। मंडल आयुक्त ने इसके लिए पुलिस प्रशासन, आयोजन समिति, प्रायोजकों, मीडिया एवं इससे जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि महोत्सव के आयोजन के दौरान जो कमियां नजर आई हैं, उन्हें अगले वर्ष के आयोजन के दौरान दूर किया जाएगा और महोत्सव में और व्यापकता लाने का प्रयास किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडल आयुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, ये तो ही बना रहे सर, आपको भी लाइट लगेगी, ग्रीन लाइट घड़ी है क्या मंत्रियों को यूनिक लग रहा है? ये वो नारियल का लग रहा है, नारियल नहीं बनाया। अंदर की जो मूर्ति थोड़ी सी उसमें फिनिशिंग कर दे, उसमें जरी का काम होगा। हाँ, वो कोई मूर्ति फिनिशिंग बहुत अच्छा बना है। सिंहासन नहीं होता है मृगशाला में, क्योंकि बाबा शाकाहारी चलते बस प्रथम प्रथम परिसर के पहले आज के इस पूरे आयोजन के समापन अवसर पर उन सब लगातार कोशिशें करके महोत्सव को एक नया आयाम दिया, अगले साल इसका बेहतर रूप बनना चाहिए और उन्होंने रोजगार की भी संभावनाएं दिखे और रोजगार मिले। एक से एक चीजें दिमाग में आती हैं, अगर ऐसा ना हो तो शायद कार्यक्रम चलते रहे। सारी ऐसी सुविधाएं और बहुत सारी ऐसी योजनाएं इस कार्यक्रम की, मैं कह सकता हूँ, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी है उन अधिकारी रविंद्र जी उपस्थित थे यज्ञ में भार, तो ये तरह ऐसा एक साकार रूप प्रदान किया जो एक सर जी। और आज ये शिल्प मेले का कल्चर प्रोग्राम का समापन 14 तारीख को किया गया सर, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से कल्चर प्रोग्राम का समापन किया गया और सर मैं स्वागत करता हूँ। अपर आयुक्त सबने बहुत मेहनत की है रात दिन एक करके इस पूरे विभागाध्यक्ष अंग्रेजी विभाग युवा महोत्सव में भी एक पुरस्कार लेके आए हुए। महोत्सव के सफल आयोजन में जो स्पॉन्सर्स किए गए हैं सर, मैं उन्हें भी आमंत्रित करना चाहूँगा सर। हमारे डायमंड हमारे सर प्लेटिनम स्पॉन्सर्स हैं LIC, HURL, हमारे गोल्डन स्पॉन्सर हैं सर अंकुर उद्योग, गीता वस्त्रालय, इंडियन आयल। ड्रेस लाइन
इंस्पेक्टर कैन साहब, इंस्पेक्टर कैन साहब काफी अच्छी व्यवस्था, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं सर। चौकी इंचार्ज साहब मौसम होने लगे, चौकी इंचार्ज साहब है हमारे बीच में, लेडीज साहब हैंडलूम के, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी साहब, सर हमारे शहर के नगर आयुक्त साहब, जिला सूचना अधिकारी साहब, देखिए सामने संजय जी भाई इधर अभी हुआ नहीं फोटो सर, यही मेरा सर स्टेज पर सर, राजू भाई इधर देखिए सर, महोत्सव का जो वेबसाइट तैयार किया था मिस्टर मिस्टर अखिल आनंद जी, राम बदन जी, जेटू कमिश्नर साहब, राम बदन जी, श्रीवास्तव प्रोडक्ट सूचना अधिकारी मनीष शर्मा जी, मोहम्मद राम प्रताप जी, सुशांत साहब मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया स्टेज पर आए सर, आपका सहयोग हर क्षण हर पल, शशिकांत पांडे, सुश्री आदित्य त्रिपाठी, श्री अमन सिंह कुमार, भूमिका पांडे, हरिप्रकाश जी, साथी विश्वकर्मा का स्वरूप, देवी सिंह जी, सिर्फ मेले में सर एक जो सारे हमारे बुक स्टॉल्स की और श्री मनोज जी, कराए जाने के दृष्टिगत अतिथियों के दृष्टिगत अरुण सिंह जी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सर तहसीलदार साहब हैं सर, मैं अनुरोध करूंगा सर्वोच्च बिक्री की भी हम लोग सर भागलपुर पहुंचा श्रीनगर से आए हुए हैं सर, आप वेलफेयर सोसाइटी गोरखपुर जेम्स एंड ज्वेलरी एहसान करीम साहब, पूरे हुए विभिन्न गतिविधियों में अपना योगदान करने वाले अन्य कर्मीगण और मीडिया से आए हुए व्यक्तिगण, आज शिल्प मेला का समापन के साथ ही गोरखपुर महोत्सव का भी पूर्ण रूपेण समापन हो रहा है और इस अवसर पर अध्यक्ष समिति के हैसियत से मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इसमें मुखिया जिलाधिकारी जैन पांडियन जिनका एक बहुत ही नोडल इसमें रोल होता है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और उनके साथ साथ SSP गोरखपुर और उनकी पूरी टीम जिसमें वास्तव वर्मा साहब ये दोनों लोग दिन रात यहाँ पर लगे रहे हैं, ट्रैफिक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और उसके साथ साथ उनके अन्य अधिकारीगण को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि पुलिस के लिए एक और चैलेंज है। इसी के साथ साथ हमारे गोरखनाथ मंदिर में भी प्रोग्राम चलता है और उसकी भी बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। मुझे बताया गया है कि SPCD साहब 2-3 रात उसमें लगातार सोए नहीं होंगे, लेकिन मैं आप सभी को ये पुलिस को स्पेशली मैं ADG रेंज साहब जो यहाँ पर नहीं है, उन्होंने कानपुर जोन का चार्ज ले लिया है, उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके मार्गदर्शन में गोरखपुर पुलिस ने बहुत बड़ी यहाँ पर भूमिका निभाई है और आपके बिना पुलिस की विजिलेंस के बिना ये प्रोग्राम इतनी सक्सेसफुली करना संभव नहीं होता। उसके साथ साथ
डिफरेंट उप समितियाँ बनी थी जो शिल्प मेला है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उन सभी के सदस्य सचिव और अन्य जो सदस्यगण हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत चैलेंजिंग होता है। इस बार मैं शायद महोत्सव समिति में सबसे नया था और मेरे बाद शायद हर्षिता सीडीओ गोरखपुर थी, उसके अलावा सारे लोग पुराने थे, तो आपके अनुभव से ही हमने सीख के इसमें लोगों ने भी कुछ योगदान दिया है। इस मंच से खड़े होकर धन्यवाद देने के बाद मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जो भी कुछ त्रुटियाँ सामने आई हैं, इतना बड़ा आयोजन होता है उसमें त्रुटियाँ अवश्यंभावी हैं, वो सारी त्रुटियाँ एक्चुअली अध्यक्ष की त्रुटियाँ होती हैं और उसकी जिम्मेदारी भी मेरी होती है। और मैं आपको एश्योर कराता हूँ कि जो भी त्रुटियाँ हुई हैं हम चाहेंगे, हम प्रयास करेंगे कि अगले वर्ष जब इसका आयोजन हो, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए हैं व्यापकता के ऊपर, इसमें और चीज़ें जोड़ने को लेके, उसके साथ साथ हम प्रयास करेंगे कि ये जो त्रुटियाँ हैं स्पेशली पास से संबंधित शिकायतें भी हमारे पास आई हैं उनको हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे, और ये प्रयास करेंगे कि ये त्रुटियाँ जो हैं उनको हम उनकी पुनरावृत्ति ना होने दें और हम अच्छा आपके सामने एक आयोजन रखें। इस वर्ष का आयोजन इसलिए भी चैलेंजिंग था, जैसा कि आपको पता है 13 जनवरी को हमारा राजकीय शोक की घोषणा एकाएक हुई, उसकी वजह से सारे प्रोग्राम 14 जनवरी को ले जाना पड़ा और जिसके लिए भी एक बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अतः जो भी चैलेंजेस थे उनको पार करते हुए आप लोगों की, जो लोग उपस्थित हैं वो और जो लोग नहीं आ पाए हैं किसी कारण की वजह से उनको भी, मैं समस्त जन को, अधिकारीगण, जितने हमारे यूनिवर्सिटी के लोग, जितने भी बाहर के लोग, जितनी समितियाँ थी उनके सदस्यगण को पुनः धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका योगदान इस महोत्सव में पहले से ज़्यादा और प्रगाढ़ होगा और हम इसको अच्छा कर पाएंगे। लास्ट में मैं गोरखपुर जनमानस को, गोरखपुर की जनपद की जनता को और आसपास के जो हमारे ज़िले हैं उसकी जनमानस को प्रणाम करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि यदि आप यहाँ पर ना आए और आपकी हिस्सेदारी यदि ना हो तो ये महोत्सव का आयोजन फीका हो जाएगा। इसलिए मैं प्रमुख रूप से आपको भी धन्यवाद देता हूँ और मीडिया को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो हमारा धन्यवाद गोरखपुर जनपद के जनमानस के प्रति है उसको भी आप अपने माध्यम से सूचित करें। पुनः धन्यवाद। जय और पीछे से लेना पड़ेगा मीडिया के साथियों के लिए। ये देखिए ये जो आयोजन हो रहा है आज, हम गोरखपुर महोत्सव का शिल्प मेला का समापन हुआ है और इसके साथ साथ गोरखपुर महोत्सव की सारी एक्टिविटीज आज समाप्त हो रही है। और ये आयोजन एक धन्यवाद देने के लिए था, धन्यवाद स्वरूप एक मेमेंटो जो हम लोगों ने, समिति ने तैयार किया था उसको हमने प्रदान करके सभी का धन्यवाद दिया है। और आपके माध्यम से समस्त अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, वो सभी लोग जो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से महोत्सव के आयोजन में जुड़े हुए थे उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण गोरखपुर जनमानस को, गोरखपुर की जनता को, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को सराहा। आज भी मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं कि जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें के जी का प्रोग्राम अच्छा लगा, किसी को गीतांजी शर्मा जी का डांस अच्छा लगा, किसी को लोकल कोई चीज़ अच्छी लगी, किसी को दिव्यांगजन का पार्टिसिपेशन अच्छा लगा। तो हम उस जनमानस को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और जो भी त्रुटियाँ हुई वो हम स्वीकृति करते हैं और उसको हम और इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट ईयर हम प्लान करेंगे, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमें समापन समारोह में निर्देश दिए हैं उसको अंगीकृत करते हुए हम ये आयोजन और विस्तृत रूप से और प्लान वे में करने का प्रयास करेंगे। सभी को धन्यवाद।